क्रिकेट टीम के गब्बर कहे जाने वाले शिखर धवन ने आज यानी 24 अगस्त को अचानक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। धवन ने इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो शेयर करते हुए टूटे हुए दिल के साथ अपने शानदार करियर को अलविदा कहा। उन्होंने अपने गुरुओं, टीम के साथियों, चाहने वालों, दिल्ली और भारत के क्रिकेट बोर्ड को शुक्रिया करते हुए रिटायरमेंट का ऐलान किया। धवन ने आखिरी बार 632 दिन पहले 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में इंटरनेशनल मैच खेला था। उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा, मेरे दिमाग में हमेशा एक ही लक्ष्य था कि मैं भारत के लिए खेलूं और मैंने इसे कई लोगों की बदौलत मुकाम हासिल कर लिया। सबसे पहले मेरा परिवार, मेरा बचपन के कोच तारक सिन्हा और मदन शर्मा, उनके मार्गदर्शन में मैंने क्रिकेट सीखा। फिर मेरी पूरी टीम जिसके साथ मैंने सालों तक खेला, शोहरत और सभी का प्यार और समर्थन मिला। जैसा कि कहा जाता है कि कहानी में आगे बढ़ने के लिए आपको पन्ने पलटने पड़ते हैं, इसलिए मैं भी यही कर रहा हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा, अब जब मैं अपने क्रिकेट के सफर को अलविदा कह रहा हूं, तो मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने अपने देश के लिए बहुत खेला। मैं BCCI और DDCA का यह अवसर देने के लिए और सभी प्रशंसकों के प्यार और समर्थन के लिए वास्तव में आभारी हूं। मैं बस इतना ही अपने आप से कहना चाहता हूं कि इस बात से दुखी मत हो कि तुम अपने देश के लिए फिर से नहीं खेल पाओगे, लेकिन हमेशा खुश रहो कि तुमने अपने देश के लिए खेला और ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि मैंने खेला। शिखर धवन लंबे समय से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल जैसे युवा ओपनरों के आने के बाद से उनकी वापसी मुश्किल हो चुकी थी। दूसरी ओर भारतीय क्रिकेट टीम का मैनेजमेंट आगे आने वाले ICC इवेंट्स को देखते हुए युवाओं को तैयार करना चाहती थी। यही वजह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी युवाओं के लिए T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट कर लेकर रास्ता बनाया। शिखर धवन ये जान चुके थे कि अब उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी शायद ही संभव हो। वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल नहीं रहे थे और IPL में पंजाब किंग्स के लिए उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। संभव है कि पंजाब टीम IPL 2025 के लिए होने वाले मेगा ऑक्शन से पहले उन्हें रिलीज भी कर दे। यही वजह थी कि शिखर धवन ने बल्ला टांगने का फैसला कर लिया। इससे पहले उन्होंने शुभमन गिल के हाथों अपनी जगह गंवा दी थी। धवन ने 16 मार्च 2023 को अपने टेस्ट डेब्यू पर कई रिकॉर्ड तोड़े थे। टेस्ट डेब्यू पर किसी खिलाड़ी द्वारा सिर्फ 85 गेंदों पर सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बनाया तो लगातार 2 सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने के प्रतिष्ठित गोल्डन बैट जीता। 2013 और 17 में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए उनके शानदार प्रदर्शन के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज को मिस्टर ICC उपनाम दिया गया। धवन 2015 के ODI विश्व कप में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी थे। उन्होंने 167 ODI मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और 44.11 की औसत और 91.35 की स्ट्राइक रेट से 6793 रन बनाए, जिसमें 7 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 78 T20 नेशनल भी खेले और 27.92 की औसत और 126.36 की स्ट्राइक रेट से 11 अर्धशतक के दम पर 1759 रन बनाए। 34 टेस्ट मैचों में धवन ने 40.61 की औसत से 2315 रन बनाए।